पहली बार आए जी गुरु जी? कल भी आया था कथा में। कल कथा में आए थे जी, आज फिर पूरी फैमिली आई मेरी। हाँ मम्मी जी भी आई, आपकी बहुत बड़ी भगत है। अच्छा हाँ जी। अच्छा तुम्हारी माता जी तो जी। बालाजी की बहुत, घर पे भी उन्होंने अर्जी लगाई जी गुरु जी। उनसे कह दियो स्वीकार है और जाओ। ओ माता जी हाथ उठा रही मेरी। अच्छा जी। ओ माता जी जय 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 जी, आपका आशीर्वाद चाहते हैं वो भी बालाजी पूरे परिवार पे। हम तो मुंह रख ना लायक, हमारा आशीर्वाद हम ही पे काम नहीं करा था बेटा। जी गुरु जी, सेवकेश्वर बालाजी, कलयुग के राजा राम राम सीताराम सीताराम ओम बालेश्वर राम। बोलो क्या समाधान तुम बालाजी से चाहते हो, पूछो। गुरु जी मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। क्या हो गया जी? कितना कितना है? नहीं इसमें कर्जा कितना है? कर्जा लिख कर आया है। कितना है? अरे राम नहीं, ये नहीं। ठीक है और पूछो, हम बताएंगे। तुम्हारे मित्र आए? मित्र बना के ले आया उनको, 15 साल पहले मित्र थे, अभी मित्र ही हैं। वो 15 साल से बात नहीं, बोल नहीं पाते, चल समझ नहीं पाते किसी को जी। उनको लेके आया एक मेरे पड़ोसी के गुरु जी, उनका घर हमने पहले तुम्हारे बारे में लिखा। सनातन का प्रचार करेंगे, कर्ज से दिक्कत है, आर्थिक तंगी बनी, कोई काम सफल नहीं हो रहा है, 17,40,000 का कर्जा है तुम्हारे ऊपर। 15 का नहीं है, 17,40,000 का है। 1/40 तुम्हें थोक में, 1 अपने रिश्तेदार के भी तो देना है, समझ गए? नंबर 2, आर्थिक तंगी भयंकर से, तनाव में बहुत है, काम तुम्हारा बनेगा। मित्र को पूरे शरीर में शून्यपन बन गया है, मूक बंद हो गया है, मित्र को मूक बंद हो गया है, शरीर में शून्यपन हो गया है, बिलाकज हो गया है, ब्लड क्लॉटिंग सिर पे हो गई है, खून जम गया, ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून जमना, खून जम गया है। आराम लगेगा, 2025 9 नवंबर तक 60% लाभ हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। क्या ये बात एकदम सही? जी गुरु जी। कोई संदेह? जी गुरु जी। संदेह नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी। इतने पार अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा दिमाग खराब हो गो गुरु जी। एक मेरे साथ में पंडित जी आए हैं, हमें बागेश्वर धाम के चरणों से जोड़ा है। अच्छा वो चाहते हैं जी हम कौन से देवी की पूजा करें। कौन चाहते हैं? हरिओम पंडित जी है, तो वो चाहते हैं कि कौन से देवी की? काली की करे कि हनुमान जी की करे? अच्छा तो हनुमान जी तो देवी नहीं है। नहीं कौन से भगवान की पूजा करें? अच्छा जी। राम राम जी। ये हमें मित्र के बारे में कुछ रहस्य पता लगे जी। उनकी माता जी भी आई है? नहीं नहीं अब हम आपको ही बताएंगे क्योंकि अर्जी आपकी लगी, आपने प्रश्न उनका पूछा तो हम आपको प्यारे बेटा बताएंगे। प्यारे बेटा उनके लिए हमारे गुरु जी श्री सन्यासी बाबा का कहना है कि तुम्हारे मित्र पर टोटका किया गया, दवा असर नहीं कर रही है, टोटका किया गया और खाने में खिलाया गया है और उसके लिए उन्होंने बेचारे उपाय भी बहुत किए हैं पर उस पर इस चक्कर में ही उन्होंने बहुत रुपया बर्बाद किए हैं और हर जगह से वो निराश ही आए हैं। हाँ हम उन्हीं को यही बात बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो है गलतियां बहुत हो गई और हमने मित्र की अर्जी को डिटेल में इसलिए लिया क्योंकि हलीउल्लाह वालों के चक्कर में भी वो पड़ गए थे जी। हलीउल्लाह के चक्कर में मेरा बुआ का लड़का भी बुलाओ, इधर गुजर गया, इधर बुलाओ, आज भी प्रण ले पहले सनातन के लिए तब हम जो है उनको आराम देंगे, नहीं तो नहीं लगेगा। टिंकू को भेजो, दरबा मम्मी टिंकू को भेजो, ये पढ़ लो जी गुरुजी, पढ़ लो टिंकू बाबा। अच्छा ऊपर तुम कहा करत रहे जब ऊपर? हाँ हाँ करत रहे, कहा करत रहे भैया? ये दिखवा लो टीवी पर भी आ गए। मम्मी आप साथ में ले आओ, उसको पता नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है, ये माता जी को ये तुम अपने पास पर्चा रखो, धाम की पेशी करो, हनुमान जी दया करेंगे। मेरी माता उनको ले आएंगे, उनको पता नहीं लगेगा, बोल दीजिए। इस बहाने तो माता जी यहाँ ऊपर अमंगवा वो चाहे। नहीं नहीं नहीं
हम तुम्हारी बदमाशी जानते हैं। हम बता देंगे, तुम बैठो, उन्हें आने दो, हम विधि करते हैं। तुम वहाँ बैठो और तुम धाम आ जाइयो, हम विधि दे दे भी। और अच्छा, इनको लेकर के आना है, क्योंकि झाड़ा इनको हम यहाँ नहीं लगाएंगे, इन्हें पहले पक्का ठोक बजा के करेंगे। इसीलिए ठोक बजा के करेंगे कि बहुत लोगों ने इनसे कह दिया कि हलीउल्लाह वाले ठीक कर देते हैं। मेरे बुआ का लड़का वहाँ जाके गुजर चुका, मैं धाम पे लेके आने वाला था, उससे दो दिन पहले गुजर गया बेचारा। अरे राम राम राम, कहाँ हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ा था जी, बिल्कुल पड़ा। देख लो, हम तुमसे यही कहना चाहते, जितने भी हलीउल्लाह वालों के पास से आए, यही हाल होगा। इसलिए अभी भी समय है पंजाब के लोगों, जागो, इनकी ठटरी और गठरी बांधो। अब भारत में किसकी चलेगी? बजरंग बले की, बली की। और एक बात और, भारत में रहना होगा तो अब सीताराम कहना होगा। बोलिए बागेश्वर धर्म सरकार की। आओ दादाजी, तुम होते पहुंचो बेटा, उठ जाओ। सन्यासी बाबा की, उठ के होते पहुंच जाओ। जय श्री राम। पहली बार दरबार में आई बेटा? हाँ जी बाबा जी। इन तक जब तक माइक भेजा जाए, इन भाई साहब तक, ये बहुत होशियार है, हमारे प्यारे पगला भक्त हैं, इसमें कोई संदेह देखो होशियार बहुत है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। हाँ, क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहती हैं? मेरी माता जी बीमार है। क्या हुआ है? समझ नहीं आती, वो बहम वगैरह करते हैं बहुत ज्यादा, बहम करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, दो विषय और पूछो। और घर पे क्लेश रहता है। ठीक है, एक आपका निजी और पूछो। जॉब का? हाँ, हमने लिखा कैरियर उज्जवल, नौकरी 100% होगी। माँ को शक होता है, शरीर में घृणा भरती है, पूरे शरीर में दिक्कत हो जाती है, लगातार बीमार बनी रहती हैं, बीच में आराम लग गया था, फिर ज्यों की त्यों हो गई हैं। आपकी माताजी 1.5 वर्ष के अंतर्गत पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगी, कभी दिक्कत नहीं जाएगी, सुख शांति रहेगी, आशीर्वाद है। जय गुरु जी। कोई भूत बाधा नहीं, ये संदेह छोड़ो, चूंकि उनका भी यही संदेह है बहुत ज्यादा, वो उनको लेकर के साथ परिवार बगल वालों को लेकर के उन्हीं का नाम लेती रहती दिन न रात। इन्होंने टोटका कर दिया, घर बर्बाद कर दिया, हमें पागल कर रही है ये वो। जब से घर बनाया ना, तब से आप उनसे भी कह देना, या एक बार धाम लिवा लाना। राम, साधु जी, क्या 2019 से दिक्कत ज्यादा बढ़ गई? हाँ जी गुरु जी। अच्छा ठीक है, उनको एक बार धाम आना है और हम उपाय करेंगे। कोई भी भूत बाधा नहीं आ रही, हमने पूरा देख लिया, जिनके बारे में वो कहती हैं उनका भी देख लिया। वो जलम जरूर है उनको, ईर्ष्या है, सामान फेंकना, फेंकने वाला को विषय बताएंगे नहीं, नहीं तो उनको बुरा लगेगा, तो आदि आदि चीज़ें वो हरकतें करती हैं, लेकिन उन्होंने तंत्र नहीं करवाया, ये बात तय है। इसलिए ये संदेह त्याग दें और जाओ, तुम्हारी माता जी पूर्ण ठीक रहेंगी, आशीर्वाद है। जय सियापति रामचंद्र की जय। बागेश्वर धाम की हर हर हर। माइक ले सकते हो, माइक में। अच्छा, यही पंजाब में। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, बोलो वीर बजरंग बली की। हाँ, हमने लिख लिया, क्या समाधान आपको बिटिया चाहिए बालाजी से, पूछो क्या। ठीक, एक हाँ दूसरा प्रश्न हमने पहला लिखा, परिवार में घर में लड़ाई बहुत होती, भाई का प्रश्न लेकर आई है, जन्मजात तुम्हारे भाई को दिक्कत बनी है, पैरों में अकड़पन, मुख बंद है, ब्रेन कमजोर हुआ है। नंबर दो, आप अपनी अर्जी आपने लगाई, शायद हाँ या ना, गलत तुम्हें बोलना है या सही बोलना है, सफल हो जाए आगे जीवन में,
पूर्व में आप मॉडलिंग का काम करना चाहते थे, उसको त्याग करके अब जॉब की यात्रा पर आप निकले हैं, उसका आशीर्वाद। नंबर तीन, आपने अपनी बहन की अर्जी डाली हुई है, बहन की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए आई है, जो आपसे छोटी थी, उसके ऊपर कोई भी प्रेत बाधा नहीं हुई थी, शरीर नीला पड़ गया था इसलिए संदेह था, तो उसके ऊपर कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, शक छोड़ दें। भाई को 40% आराम दरबार से लगेगा, मंत्र चिकित्सा से जाओ, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, क्या ये सभी बातें सही, कोई संदेह? जय सिया राम। साधु जी, ये उपाय सुनो, ब्रेन कमजोर इसका हुआ है बहुत ज्यादा, और डॉक्टरों ने भी लाइलाज बता दिया है, और घर में बहुत भयंकर उपद्रव महाभारत मच रही है। हाँ, फिर भी ये आपके दो निवास हैं क्या? हाँ, स्थान दो हैं, निवास वाले एक पुराना अलग है, एक वर्तमान का अलग है। तो पुराने वाले में क्या देवी को स्थान दिया गया था, दिया था, उन्हीं का आवेश आ रहा है, बार बार सपने में किसी भी सदस्य को दिख रही हो, हमें तो पता नहीं, पर सपने में बड़ी बड़ी आंखें दिख रही, हमें ऐसा बताया गया, बड़ी बड़ी, तो ये बहन जी उन्हीं देवी का कारण है। तो आपका एक पुराना मकान हमारे पास आया, पुराना मकान आया, कोई खंबा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पोल लगा है, माइक ले लो, इलेक्ट्रॉनिक पोल लगा हुआ है, बाहर चबूतरा बना हुआ है, बाहर में चबूतरा बना हुआ है, अंदर में दो कमरे बने हुए हैं, उसके बाद में छोटा सा आंगन स्थान बना हुआ है, वहां पर तुलसी का घर बना हुआ है, दक्षिण की तरफ में पूजा स्थल आपने रख रखा है, पूजा स्थल अलमारी के पास में है आपका, वहीं पर देवी को स्थान दिया गया है। क्या ये लोकेशन सही है? तो जाकर के वहीं पर अखंड ज्योति जला दियो, जाओ, उन्हीं माता की कृपा से तुम्हारे हर काम फतेह हो जाएंगे। कोई बात गलत, कोई संदेह? बिल्कुल सही बहना, जाओ, आशीर्वाद। राम, साधु जी, ओ साधु जी, जब आपने बुलाया ना तो मैं डर भी गया था थोड़ी देर के लिए। क्या हम मारते भी हैं क्या? नहीं नहीं, पता नहीं आप क्या बोल दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं, हम उसका बोलते हैं, ये जो आपका भय है, हम कभी ऐसा किसी का भी गलत नहीं चाहते, किसी की भी हम बेइज्जती नहीं चाहते, क्योंकि हमें भगवान ने सिद्धि या कृपा दी है तो किसी की बेइज्जती के लिए नहीं दी, ये शक्ति हमें उनके लिए दी है जो कहते भगवान नहीं होते हैं, उनके लिए। तो कभी ऐसा डरना नहीं, आप हनुमान जी के साधक हो, पहली बार दरबार में आए? हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं कल भी आया था। अच्छा, कल कथा में, तो दरबार तो आज ही भर लगो। हाँ जी, हाँ जी, राम राम। हमने जो आज्ञा हमें लगी बालाजी की प्रेरणा से, हमने इसको लिखा, और जब तक हम आपके विषय को बताएं, कोटी सफेद पहने हुए बालक विराजमान, आ जाए, तुम्हारी अर्जी लग गई, खड़े हो जाओ बेटे, यस, जो सिर पर कोटी भी लगाए, जी जी जी, आ जाओ, हाँ बोलो, क्या प्रश्न का समाधान चाहते हैं? गुरुजी, पता नहीं चलता लाइफ में क्या करना है, मैंने पहले आर्मी वगैरह की भर्ती भी देखी है, और भी मैंने मतलब काफ़ी कोशिशें करी, मेरे को पता नहीं चल रहा अभी तक कि मैंने क्या करना है, और मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं भी इतना सक्षम हो जाऊँ कि आपको एक बार मैं भी बुलाऊँ। अरे वाह, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। कहाँ रहते हैं आप? दुनेरा में। दुनेरा कहाँ पड़ता है? ये यहीं से 35-40 किलोमीटर दूर, पठानकोट से 35 किलोमीटर। पढ़ो, जीवन उज्जवल है आपका शिवम जी, भक्ति बालाजी की करें। प्रश्न, माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, नौकरी के बारे में रास्ता पूछने के लिए आए हैं, माता रानी और भगवान शंकर की कृपा से आपकी तैयारी से सिविल सर्विसेज मार्ग में 100% सफल हो जाएंगे, जाओ, आशीर्वाद। जय हो, जय हो बाबा जी, जय श्री। कुछ बातें हैं जो बिना माइक के। ठीक, बाद
अभी बीच में पुलिस की भी तैयारी की, हाँ इसलिए तो आप सिविल की तैयारी करो सर्विस की, अभी तो जीरो है तुम्हारी तैयारी, अभी तो मन भी बहुत उचट। साधु जी बात एकदम सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई संदेह नहीं, नहीं बिल्कुल सही, पढ़ लो पां पढ़ लो ये बात पे कुछ रहो हो कल्याण होगा, जाओ 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 जा। पर्चा को रखना है, धाम आना है, धाम पर हम एक आपको विधान कर देंगे, पेशी से मंगल होगा, पेशी करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो बताया गया उनमें से आप सफल होंगे, और जाओ तुम्हारे दिन दूना रात चौगना तुम बढ़ो, बालाजी की तुम्हारी भक्ति बढ़े, खुश रहो। राम गुरुजी जी सरकार की, 1.5 साल लग गए गुरुजी को बोलने के लिए कि गुरुजी कितने स्मार्ट और कितने क्यूट हैं, 1.5 साल लग गए गुरुजी। विचार है बेटा तो रो, विचार आपको देखने का था कि ना बैठो थोड़ी माता जी गाली बकत, नहीं नहीं गुरुजी तो गुलाब का है दे रहा ये आपके लिए, हम कौन बिटिया है, ये तो प्रेम का गुलाब है गुरुजी। ठीक है स्वीकार है भैया जी, और ये गुरुजी आपके प्रिय केले भी लिए थे दोपहर को और मिठाई भी लिए, केला खवाओ यार एक बार जी, ठंड में सही है घरों में। सन्यासी बाबा की तो बताओ कैसा लग रहा, कहाँ हाँ गो, अरे जो उल्टो होगा वागी को लगो, अब ठीक है, अब ठीक है, बहुत स्मार्ट है गुरुजी आपकी। यूट्यूब पे या फेसबुक पे जब भी वीडियो देखते हैं एक तो हंसी आती है क्योंकि आप बहुत ही बहुत प्रिय गुरु हो आप, और दिल से धन्यवाद, बहुत दिल से, पठानकोट ही रहते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर है करौली, करौली जी करौली गांव है, हमें लेवा चलना कभी अपने गांव, गुरुजी आपका वेलकम है, आप जब मर्जी आइएगा। पठानकोट तो सलारिया जी ने बुलवा लिया जी जी जी, मैं अपनी वाइफ से कम 1 साल 6-7 महीने पहले बोलता था कि धाम जाने का अभी लग नहीं रहा क्योंकि मेरे को बहुत इधर उधर के ड्यूटी में बहुत फंस जाता हूँ, कोई बात तो मैं अपनी वाइफ को बोला था कि बागेश्वर धाम सरकार पठानकोट आ जाए तो कितना आनंद आ जाएगा, हम आ गए, बहुत आनंद आ गया। चलो लो रखो मिठाई, अब बाद में खाएंगे। राम बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, नजदीक आ जाओ बेटा, क्या प्रश्न लेकर के आए गुरुजी? मेरा प्रश्न है कि बालाजी की कृपा से सारी सुख सुविधा है, जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है, वाह, लालच नहीं है किसी चीज का। मेरे मन में 2 प्रश्न है, एक मेरी बेटी है और एक बेटा, इनकी पढ़ाई, इनकी लाइफ, ठीक, एक और एक प्रश्न है कि छोटा भाई है जो मथुरा में रहता है, उसके घर में बहुत लड़ाई होती है, आपस में
जी आपस में बहुत लड़ाई होती हमने है। ऐसा लिखा जी, शुभ समय 2024 28 नवंबर से आपका स्वयं का है, बच्चों के कार्य पूर्ण होंगे, नाम रोशन करेंगे एवं दोनों का ही जॉब योग बनेगा, पूरे घर में भाई के उठा पटक मची हुई है, आपस में क्लेश है, गलत फहमी के कारण एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है जी, चारित्रिक विधियां जी जो बाबू माइक से नहीं हम बोलेंगे, चारित्रिक विधियों का आरोप लगाया जाता है, परिवार बिखरने की कगार पर है, लेकिन सामंजस्य बना रहेगा, तलाक भी नहीं होगा, घर में उपद्रव भी नहीं होगा, जाओ आशीर्वाद है। राम बालाजी की, सीताराम। अभी बैठे बैठे बेटी भी है, वाइफ भी है जी। तो कह रहे थे कि अर्जी अगर नहीं लगेगी तो मैंने कहा ये केले और ये मिठाई में आके किसी को पकड़ा दूंगा कि गुरुजी तक पकड़ा देंगे, तो कह रहे थे ठंड बहुत है जाने के लिए, तो मैंने कहा नहीं चलेंगे और आधा घंटा और रुक के चलेंगे, बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी। गुरुजी आपके चरण सुने हैं जी, उनके बारे में एक बात और आई, क्या हमारा नाम नहीं खोलना, हम तुम तो पढ़े लिखे हो, बहुत हनुमान जी के भक्त भी हैं, इनका हाथ उनके हाँ जी है हाँ भयंकर, तो माता जी हुई ना ठीक, हाउ तो तुमने समझाया नहीं इनको क्या बोलो, क्योंकि पूरा उपद्रव तो इनका रचा है, ये बात बात पे लेके बैठ जाती, उल्टा बोलती और उपद्रव, तो मायलाने भी बोलती तो मैं भी विचित्र बोलने लगती, वहाँ भी विचित्र बोलती, सामंजस्य नहीं चाहती, बात बात पे टोन कसती है ना, और ना जाने क्या क्या बोलती। लेकिन अभी मच्छा इन्हीं का, इन्हीं को लेकर के पूरा पत्र मचता है, तंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है। अभी आओ तुम धाम पे, हमें दोनों की फोटो दो और हम जय जय करवा दे आशीर्वाद। वो चूंकि अलग जाना चाहती भाई के यहाँ, तो बोलनी अपन को करवाना आशीर्वाद, पाँव पलने थे तुम्हें ठंडी बहुत है यार भाई साहब, कुछ रहो। सन्यासी बाबा की, बालाजी का चरणों से जुड़े रहोगे तो मौज हो जाएगी आपकी। वाह, कोई संदेह, बराबर, खुश रहो, हाँ लग दो हम पाले भी, और परिवार सहित आइयो धाम आइयो, कन्या विवाह में भी छुट्टी ले लियो, हाँ हाँ। अच्छा सोनल,